देखिए लोगों को बहुत परेशानी है, यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, बहुत परेशानी है, हर तरह के इश्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, और उन्हीं लोगों के इश्यूज़ पर मैं इलेक्शन में जो है लोगों से मिल रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ, उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ख़ास तौर पर साफ़ पानी, साफ़ सफाई, गटर नाले, रास्ते, खड्डे, ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत बड़े इशूज़ है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ पर हेल्थ के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक्स तक अवेलेबल नहीं है। तो ये सब बहुत बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए किसी भी इलाके में, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और आबादी बहुत बड़ी है, वोटर्स कम है लेकिन आबादी बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पिछले 25-30 साल में हो जानी चाहिए थी। जिस तरह से बॉम्बे जो पूरी तरीके से डेवलप हुआ है, ये पूरा इलाका बहुत नेग्लेक्टेड है, इसको एकदम पीछे छोड़ दिया गया है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है इसकी वजह से, इलेक्शंस में अलायंसेस में कहीं कभी कभार जो है ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोशल अलायंस बनाया है आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो उसका टूटना जो है मुमकिन नहीं है। अब जो है मुस्लिम दलित जो है मजबूत तरीके से एक दूसरे के साथ आए हैं। आप देखिए, आप दादर चले जाएँ, लालबाग चले जाएँ, वहाँ पर आपको वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ोटो मिलेगा। आप मदनपुरा चले जाएँ, भिंडी बाज़ार चले जाएँ, यहाँ आएँ और आपको यहाँ पर ओवैसी साहब के साथ जो है अम्बेडकर साहब का फ़ोटो दिखाई देगा। अलायंस भले नहीं है मगर लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस बना हुआ है और बहुत सारी जगह पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम सीटों पर जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इक्का दुक्का दो चार सीटें ऐसी होंगी जहाँ दोनों लोग फाइट में हैं, अदरवाइज़ पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब आप अपना हक मांगने के लिए खड़े होंगे तो आप पर इल्ज़ाम की लाइन लगा दी जाती है। मेरा मेरे विरोधियों से सिर्फ ये एक अनुरोध है कि इल्ज़ाम तो कम से कम सच लगाइए। मैं रेरोड में नहीं रहता हूँ, मैं सिवरी में रहता हूँ, मैं जकरिया बंदर में रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाका नशे से पूरी तरह से पाक है जहाँ मैं रहता हूँ। और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 5 से 6 सालों में बम्बई शहर में जो भी नशा मुखालिफ अभियान चला है, ख़ासतौर पर उलमाए कराम के ज़रिए और ख़ासतौर पर बम्बई की जो अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ज़रिए, उसमें मैंने सबसे मजबूत रोल अदा किया हूँ। एक मजबूत रोल अदा किया हूँ नहीं बोलूँगा मैं कहता हूँ कि उसमें सबसे मजबूत रोल अगर किसी ने अदा किया है तो मैंने किया हूँ। हमने तकरीबन शहर की 10 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन का घेराव किया है, पुलिस पर दबाव बनाया है, लाठियाँ लेकर सड़कों पर निकले हैं। जिनको मालूम नहीं है वो लोग तरह तरह की बात करते हैं, आप मालूम करिए, मेरा फेसबुक चेक करिए, यूट्यूब चेक करिए, गूगल चेक करिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मजबूत तरीके से हमने इस पर काम किया। लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आमिर इदरीसी का बेटा नशा करता है। अरे इल्ज़ाम लगाने में कम से कम मालूम तो हासिल करो, मेरे बेटा ही नहीं है, मेरी तमाम बेटियाँ हैं। तो इस तरह से झूठ फैलाकर आप जो है हक की आवाज़ को, सच को दबा नहीं सकते। लोगों ने यहाँ पर एक तय कर लिया है, लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। इन झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए, इन इल्ज़ामात के ज़रिए डरा के धमका के आप लोगों को छुप नहीं कर सकते, और कम से कम आमिर इदरीसी को तो छुप नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पूरी लड़ाई में बहुत आगे चल रहे हैं। पूरी तरीके से जो है जो गरीब समाज है इस इलाके में रहने वाला, चाहे किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो पूरी तरह से हमारे साथ में है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज, दलित समाज, कोली समाज, भंडारी आगरी समाज, ये तमाम लोग हमारे साथ बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सारे लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत घबराहट है इनमें। आप इनका कैंपेन देख रहे होंगे, वो बीजेपी जो कभी मुसलमानों की बात भी नहीं करती तो मुस्लिम गलियों मोहल्लों में घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं को ला रही है, उत्तर भारतीय नेताओं को लेकर आ रही है, तो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर आ रही है, तो फिल्म स्टार्स को ला रही है। ये इनकी घबराहट का नतीजा, ये 5 साल में कभी आए नहीं हमारे इलाकों में या हमारे मोहल्लों में, इन्हें कभी जो है ना इनके घुसे ही नहीं। आज इलेक्शन प्रचार के वक्त ये इनकी परेशानी है कि एक बड़ी तादाद में जो गरीब है यहाँ का वो मेरे साथ है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों को कहीं ना कहीं पीछे से RSS चलाने का काम करती है। ये सब लोग, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये सब लोग सत्ता भोगी हैं, सत्ता की लालच रखने वाले लोग हैं, ये सत्ता के साथ रहना चाहेंगे। 10 साल जो है जगन्नाथ शेट्टी जी यहाँ MLA रहे, पिछला इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था, एक प्रोमिनेंट पार्टी से रहे। अब उनका बेटा जो है बीजेपी ज्वाइन करता है एन इलेक्शन के वक्त, ना सिर्फ सुमित शेट्टी बल्कि बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन लगी हुई है महारैली। क्या भरोसा है कि जो कैंडिडेट आज हमारे दरमियान में है ये कल बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा? तो ये एक तरीके से जो है ना, इसको आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिस्ट, यानी जो वक्त का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। हम सारे लोगों को इन पे कहीं भरोसा, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो विचारधारा की लड़ाई लड़े, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े, जो सच और हक की लड़ाई लड़े, ऐसे कैंडिडेट का साथ देना चाहिए।